माही का बर्थडे गिफ्ट, ये इंजू की मम्मी लाई, मौसी लाई, ये इसके लिए पर्स लाई पिंक कलर का सुंदर सा। और बीबू तेरा जब बर्थडे आएगा तो तेरे को तब सब लोग तब देंगे। हाँ टेढ़ा। Hey guys, welcome back to my new vlog. I hope आप सब लोग ठीक होंगे guys, और हम सब लोग भी ठीक हैं। तो माही स्कूल के लिए रेडी हो गया, और विवान तो अभी सो रहा है, और माही का बन रहा है अभी टिफ़िन। और टिफ़िन में आज मेरे को रात को ही बोल दिया था कि मम्मी मेरे लिए बननी चाहिए फ्रेंच फ्राई, तो अभी देखो बना रही हूँ। ये बन रही है इसके लिए फ्रेंच फ्राई, और बाहर उजाला हो गया थोड़ा बहुत, ये इतना बना दिया इसके लिए, और ये बन गया। ये इसकी खास डिमांड पे बनी भैया, आज ये देखो। फर्स्ट का काम था वो तो निपट गया, अपने लिए भी बन गई रोटी सब्जी, और बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राई बनी आज, और स्कूल के लिए टिफिन में। तो 10 मिनट ही तैयार हो गया, अब इसको 5 मिनट जाऊंगी अब छोड़ने, क्योंकि 7:10 पे इसकी गाड़ी आ जाती है, तो बस अभी जल्दी से इनको बनाती और फिर इसको छोड़ के आ जाती। फ्रेंच फ्राई बनाने में कितनी मेहनत लगती है, इसमें पूरा कम से कम 1 घंटा तो ऐसे ही चला जाता है। सबसे पहले आपको आलू छील के काटने पड़ेंगे, उसके बाद उनको हल्का सा 2 बार उबालना पड़ता है, फिर अच्छे से उनमें नमक मिर्ची लगा के जैसे बनाओ, फिर तेल में तलना पड़ेगा तब जाके बनेगा। तो मैं मतलब सुबह उठ के ही सबसे पहले यही काम करने लग गई इसका कि बना लेती हूँ, तो बहुत टाइम लगता है। रोटी सब्जी में तो मुझे लगता है कि मुश्किल से 10 मिनट लगता होगा बनाने में, लेकिन फ्रेंच फ्राई बनाने में कम से कम मेरा 1 घंटा गया, 6 से 7 बज गए और अभी तक मैं बना ही रही हूँ। घर पे खाना शुरू कर दिया जब इसने रोटी और चाय पी ली थी सुबह, और अभी खा रही है। और मुद्दे की बात ये कि सॉस ख़त्म है आज, ना मायनर सॉस बचा है ना सॉस बचा है, टोमेटो सॉस कुछ नहीं। अब किस में खाएगी ए सेजवान, खा लेगी उसमें पता नहीं, तो क्या बोलते हैं उसको, अब देखो क्या किस में देते हैं। सुबह सुबह अभी दुकानें भी नहीं खुलती हैं कि ला के दे दो, तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया रात में। अरे इसने बहुत लेट में बोला था मुझे, कितने बजे, 8 बजे बोला, तब तक तो दुकानें बंद हो जाती हैं, आजकल सर्दियों का महीना है। देखो क्या देते हैं, की चटनी है और कुछ नहीं है। फिर हो गए बिल्कुल पैक हो गए, और मुंह से धुआं निकल रहा है, धुआं। अब जा रहे हम छोड़ने इसको, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है और इसको छोड़ना भी हो जाता है मेरे लिए। और इसका बैग इतना भारी है ना इस लड़की का, और एक कालू भाई भी आ गया उधर से छोड़ने माही को। गया कालू, कालू की ड्यूटी है भाई, हमेशा माही को ज़रूर छोड़ेगा, आएगा पक्का जब इसके जाने की बारी होगी। बेटा उछलेगा ना ड्रेस करेगा, हेलो कालू कहाँ घूम रहा था, मत लगा, कालू कहाँ घूम रहा था, कहाँ घूम रहा था, चल दीदी को छोड़ने, चल चलो आ जाओ आ जाओ अच्छा। अब जा रहे हैं हम घर, और अभी अब सुबह सुबह क्या होता है ना, बिजी हो जाते हैं हम लोग, और क्योंकि सुबह उठ के अब इसके बाद झाड़ू पोछा घर की सफाई, और आपको मिलेंगे अब सीधे बाद में जब फटाफट से काम निपट जाएगा। ठंड भी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो सो रखा भी इतना अच्छा लग रहा है सोए हुए आराम से प्यारा सा, देख ना जब उठा रहता तो बड़बड़ 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 करता रहता। अभी सो रखा आराम से, रजाई फेंक रखी है लड़के ने, सोने देते और करते अपनी सफाई। मेरे बच्चों ने रात में खाई मूंगफली, अरे देखो ये ऐसे ही फेंक दी, तो जल्दी से करते हैं सफाई। और टाइम हो रहा अभी 7:30 नहीं बजे हैं, 5 मिनट, वैसे हमने एक घड़ी 5 मिनट आगे करी हुई है, तो अभी 7:25 हो रहे हैं, तो हम करते हैं जल्दी से। देखो मेरे बच्चों के कारनामे, तो अभी जल्दी से करते हैं इसको साफ। बिल्कुल बच्चों को स्कूल छोड़ के अपना पूरा काम निपटा के नहा चुकी हूँ और तैयार भी हुई। तैयार क्या होना कि नहा के कपड़े पहनो, सिंदूर लगाओ बिंदी लगाओ, बस अपना सिंगार यही है। और अब जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने, तो ब्रेकफास्ट में सब्जी थी तो सबको खिलाते खिलाते अपने लिए थोड़ी सी सब्जी बची, तो मैं अंडे भी लेके आई है। देखो अभी जब विवान को छोड़ने गई थी, अंडे सस्ते हो गए, 1.45
₹145 हो गया, पहले बीच में 180 हो चुके थे, तो मैं लेके आ गई। तो मैं अपने लिए अंडा भुजिया बनाऊंगी और सब्जी। तो चलो जल्दी से क्योंकि भूख लग रही भाई साहब। सुबह से कंटिन्यू 5:30 बजे से उठ के सिर्फ गर्म पानी के अलावा कुछ नहीं खाना, और अब जाके खाती हूँ। तो अब 10 बज चुके हैं, तो आज थोड़ा सा लेट हो गया, और नॉर्मली 9:30 बजे तक ब्रेकफास्ट हो जाता है, क्योंकि आज स्टोर रूम में सुबह सुबह करिए सफाई। चूहों ने आतंक मचा दिया था स्टोर रूम में, तो पूरा 1 घंटा चला गया मेरा सुबह का वो, तो उस 1 घंटे की वजह से आज लेट हो गया है नासा, और फिर हर काम लेट। तो चलो अभी करते हैं ब्रेकफास्ट जी। तो इतनी सी सब्जी में क्या होगा, तो इसमें हम डालते हैं 2 अंडे और उसको भुजिया बनाते हैं। सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, इसमें डालेंगे बन जाएगी। तो ये डाल दिए, अब इसको से मिलाते रहो, तो थोड़ा सा ज़्यादा सब्जी भी हो गई इसमें और अंडे भी हो गए सुबह सुबह, तो देखो प्रोटीन भी मिल रही है भरपूर मात्रा में। तो ये इस तरह से बन जाएंगे। अभी इसको थोड़ा सा और बनाना है भुजिया टाइप की। ये देखो भाई, ये बन गई इस तरह की भुजिया, थोड़ा बहुत सब्जी है इसमें और थोड़ा बहुत अंडे। तो बन चुकी है, अब मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने, बस चाय लेना बाकी है। तो चलो चलते हैं ब्रेकफास्ट करने जी। कम बन जाए तो उसमें अंडे डाल के बना लो, ये सब मेरे हस्बैंड ने सिखाया मेरे को, क्योंकि वो बोलते थे कि अगर सब्जी कोई बात नहीं, सब्जी कम रहेगी मेरे लिए कोई बात नहीं, 2 अंडे डाल दो उसमें। तो मैं भी सेम ऐसे ही करती हूँ कि सबको खिलाते खिलाते अपने लिए सब्जी कम बच जाती है, तो ऐसे ही अंडे डाल के बना लेती हूँ अपने लिए। तो अभी खा सकते हैं हम लोग। तो बात करते करते ना मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाती हूँ, ज़्यादा ही सोचती हूँ उनके बारे में, क्योंकि पहले ये था कि हम साथ में रहते थे, अब साथ में नहीं है, तो अब जब आते तो 6 महीने में एक बार आते, तो अभी तो बहुत टाइम हो गया है, अब सीधे पता नहीं कब तक आएंगे, आई डोंट नो, पर जब भी आएंगे खूब मस्ती और धमाल खूब इंजॉय करेंगे, है ना। तो हो गया, लेकिन अभी किचन की सफाई भी करनी, काम कभी ख़त्म नहीं होते, और इतने सारे बर्तन पड़े हैं नाश्ते के, तो मैं इनको पहले साफ कर लेती हूँ, उसके बाद धूप सेकने जाऊँगी छत पर, तो इनको पहले धुल लेते। दोनों की बातें सुनोगे ना इतनी बड़ी बड़ी, एक बोल रही मेरे पापा को एरोप्लेन चलानी आती है, एक बोल रहा है मेरे पापा एरोप्लेन से भी फास्ट दौड़ते हैं, है ना भाई। बच्चों की बातें उनको खुद ही नहीं पता क्या बोलते, इसीलिए तो इसको बचपन बोलते हैं। मेडल मिला, कौन सा मेडल मिला रे? बर्थडे खत्म हो गया, लेकिन माही के बर्थडे गिफ्ट अभी तक आ रहे हैं। माही ले जरा बर्थडे गिफ्ट, माही भी स्कूल से आ गई। बर्थडे खत्म हो गया, ले देखो ये देखो कैसे नाच रहा है। ये आंटी लाई इंजू की मम्मी, मौसी भाई सॉरी। माई को ऐसी ही चीज़ें चाहिए, देखो ये मतलब बर्थडे ख़त्म हो गया लेकिन बर्थडे गिफ्ट इसके अभी तक आ ही रहे। माही का बर्थडे गिफ्ट ये इंजू की मम्मी लाई, मौसी लाई, ये इसके लिए पर्स लाई पिंक कलर का सुंदर सा। और विवो तेरा जब बर्थडे आएगा तो तेरे को तब सब लोग तब देंगे। हाँ टेढ़ा। आज के खाने में बनाया हमारे यहाँ पालक पनीर, और पहले मैं बच्चों को दे रही हूँ, मेरी रोटी भी जल गई क्योंकि बच्चे बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं अंदर आके कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो अभी बन रही है बच्चों को दे देते हैं। तो ये देखो ये बनाई मैंने आज पालक पनीर। तो जी आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तो तब तक बाय बाय, और अपना ख्याल रखिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।